गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. आप लोग को ये ध्यान रखना चाहिए बेटा कि जब आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं तो म्यूट रखिए खुद को, ठीक है. म्यूट रखने से क्या होगा कि घर की आवाज यहाँ नहीं आएगी. अच्छा लगता है किसी के घर की आवाज आती है तो अच्छा नहीं लगता. ऐसे आप लोग को कोशिश ये भी करनी है कि ऐसी जगह पे बैठे जहां पे बाहर की आवाज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, ठीक है. बाहर की आवाज से आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं. और दूसरी बात ये है कि क्लास में स्ट्रेंथ था 45 प्लस और यहाँ आप लोग आते हैं 21, 22, 23 इतने ही आते हैं. शुरू में 30-32 हुआ करते थे, अभी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा घट गया है. ऐसा क्यों हो रहा है? जो लोग क्लास करते हैं उनको रेगुलर क्लास करना चाहिए, क्योंकि ये अभी ऑनलाइन जाने वाला नहीं है बेटा. कि ये आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन जो है 4 दिन है और फिर खत्म हो जाए, संभावना नहीं है, ठीक है. इतनी जल्दी घर में रहिए, ज्यादा सेफ रहिए, ठीक है. श्रेय सुमन कहाँ घूम रहे हो बेटा? चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म था हमारा, देख लेते हैं. एबीसी हम लोग कर चुके थे, आज हम एबीसीडी शायद कर चुके थे, आज हम लोग को ई करना है ना. एक मिनट, बुक निकालिए सारे बच्चे, कॉपी लेके बैठिए. आज क्वेश्चन आंसर करना है हम लोग को, है ना. चलिए फटाफट निकालिए. श्रुति, सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करिए. प्रसून कुमार कैमरा ऑन करो बेटा. गरिमा, डू यू हियर मी? आवाज जा रही है मेरी? यस सर. ओके, चलिए स्क्रीन करती हूँ शेयर और देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग पढ़े थे. क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कहाँ तक पढ़े थे, एक बार देख. स्क्रीन दिख रहा है गरिमा? यस मैम. बट ब्लैंक दिख रहा है, अभी बुक नहीं खुला है ना. यस. आवाज कहाँ? वो मैम मेरा भैया क्लास कर रहा है तो उसी में कोई गाना बजा रहा है. क्लास में कोई गाना भी बजा देता है, ऐसा भी होता है? हाँ, उसके क्लास में कोई है मैम. हाँ, तो मैम लोग कुछ नहीं करती है, क्लास होता रहता है, क्लास में बच्चे गाना भी बजाते हैं और मैम लोग नहीं बोलती. मैम वो लिंक शेयर करके अलग अलग नाम लेकर आता है और कोई भी उसको पता नहीं लगता. पता नहीं चलता है तो बच्चों को म्यूट रखना चाहिए ना. वो 8 में, इसीलिए मैम लोग सोचती थी कि बड़े बच्चे शोर नहीं करेंगे. हाँ, लेकिन बड़े और शोर कर रहे हैं. बड़े बच्चे और तो बड़े बच्चों को भी मौका नहीं दिया जाना चाहिए. बताओ, गाना बजाते हैं क्लास में, फिर क्लास क्या करते होंगे वो लोग, बताओ. तुम ही बताओ, ये पॉसिबल है जिस तरह से करना, बोलो बेटा. नो मैम. चलिए मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर तो करेंगे, एक वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है. वीडियो दिखाती हूँ, देखिए बढ़िया सा एक वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा पहाड़ क्या है, माउंटेन किसको कहते हैं, प्लेटू जो है वो किसको कहते हैं. देखिए, ज्यादा होती है, यानी वे ऊंचे स्थान जिनकी आकृति पिरामिड के रूप में या त्रिभुजाकार होती है, वे जिनकी चोटियां होती है, पर्वत कहलाते हैं. पर्वत का फॉर्मेशन कैसे होता है? पर्वत का निर्माण जो है वो प्लेटेक्टोनिक थ्योरी से होता है. प्लेटेक्टोनिक थ्योरी को हैरी हेंस ने सरण, और तीसरी गति जो होती है प्लेटल हिमालय. हिमालय पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है और लगातार नीचे जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि जाएगा तो न्यू माउंटेन पहाड़ों पे ही है.
दूसरा मतलब लैंड नीचे पावर आकर टाइम पिघलता है बिल्कुल और पिघलने पर जल दे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप देखते हैं, अब देखते हैं कि ये सी क्या होता है, यानी कि सागर क्या होता है। देखिए, सागर महासागर का वह हिस्सा है जो आंशिक रूप से समुद्र से जुड़ा होता है, यानी सागर महासागर का एक छोटा हिस्सा होता है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट, यानी जंगल किसे कहते हैं। देखिए, भूक क्षेत्र यानी जमीनी क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक है, उसे जंगल यानी कि वन कहते हैं। विभिन्न मापदंडों के आधार पर जंगल की कई परिभाषाएं हैं। वनों ने पृथ्वी के लगभग 9 पॉइंट, उसके अगर आप 100 किलोमीटर नीचे जाते हो तो वो जो सरफेस से लगाकर 100 किलोमीटर नीचे तक का हिस्सा होता है, उसे कहते हैं हम लिथोस्फीयर। या नीचे से घर खुला नहीं है ना, आपको ये थोड़ा सा आप नीचे नहीं गिरता, थोड़ा सा ठीक है। मुश्किल यही है। कारण है कि जो नीचे का जो प्रेशर है वो ऊपर के प्रेशर से ज्यादा है। आपके लेवल का जो हो तो उसको प्लेट देखना जो होती है, वो प्लेट क्या होती है, जॉइंट पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर, यानी कि एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बीच में जो भाग होता है उसे हम प्लेट कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जब सिस्टम खुला हुआ बुक शेयर करती हूँ मैं। बुक पता नहीं क्यों खुल नहीं पा रही मेरा। चलिए आप लोग बुक निकालिए, बुक निकालिए, मैं मोबाइल से देखती हूँ बुक। आप निकालिए, क्वेश्चन आंसर ही करना था ना, तो yes, व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं ना, व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं। व्हाइट बोर्ड के थ्रू हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर था हमारा, ठीक है। मैं भी निकालती हूँ ओ का SST, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बेटा। चलिए लास्ट चैप्टर में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे बुक पता नहीं क्यों शो नहीं हो पा रहा है। ए बी सी और डी हम लोग कर लिए थे, आइडेंटिफाई द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसको कर लिए थे ना बेटा। यस मैम। चलिए ई करेंगे, ई का क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप लोग। व्हाट मेक्स इंडिया अ यूनिक कंट्री, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स इंडिया अ यूनिक कंट्री। चैप्टर है हमारा 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर E1, ठीक है। आंसर मैं लिख रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन जो है वो बुक से लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना बेटा। बुक तो सबके yes, ma'am. बुक सबके पास है। यस मैम। तो वहां से आप लोग लिख लीजिए। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ यूनिक कंट्री, इंडिया को यूनिक कंट्री क्या बनाता है, इंडिया में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इंडिया जो है यूनिक कंट्री कहलाता है ना। क्या क्या है, बहुत कुछ हमने शुरू में ही बताया था इंडिया में क्या क्या है। इंडिया हैज अ ग्रेट वैरायटी, है ना, हैज क्या हैज अ वैरायटी इन वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स कल्चर ट्रेडिशन
बाय मेट। लैंग्वेजेस प्रेशियस फूड हैबिट्स फूड हैबिट्स ऑफ पीपल फ्लोरा फ्लोरा फाउना बीज diversity is great diversity makes India a unique country क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया को यूनिक कंट्री क्यों कहते हैं आदित्य कैमरा ऑन कर लो बेटा इंडिया को यूनिक यूनिक मतलब क्या होता है विशेष खास यूनिक का क्या मतलब होता है बेटा यूनिक का मतलब होता है विशेष या खास ठीक है तो आखिर इंडिया को तो यूनिक क्यों कहते हैं इसके पीछे कोई तो वजह होगी तो इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पे इतने तरह की क्या आंसर बताया हमने इंडिया हैज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म इतने तरह के लैंडफॉर्म है कल्चर है ट्रेडिशंस है क्लाइमेट है लैंग्वेजेस है ड्रेसेस है फूड हैबिट है फ्लोरा फाउना मतलब इतने तरह की डाइवर्सिटी है कि इंडिया को ये सारे मिलके क्या बनाते हैं यूनिक कंट्री बनाते हैं ठीक है समझ में क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया है अलग से यस मैम अब क्वेश्चन नंबर दो का टू का आंसर लिखती मैं आंसर को समझिएगा फिर लिखिएगा ठीक है क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर आंसर लिखिएगा तो इजीली समझ पाएंगे आप लोग और याद करने में मुश्किल भी नहीं हो कह रहा है राइट टू मेन फीचर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेन फीचर्स लिखने हैं हिमालयाज के नॉर्दर्न प्लेन के थार डेजर्ट के और डेक्कन प्लेटू के ठीक है तो आप पहले हेडिंग दे देंगे टू पहला क्या पूछ रहा है हिमालय फर्स्ट है आपको हिमालय हिमालयास के क्या फीचर्स हैं सालों भर यहाँ पे क्या रहता है बर्फ रहता है सबसे पहले यहाँ क्या होता है हिमालयन रेंज में क्या होता है बेटा पढ़ाए थे ना आपको yes, no. तो पहला फीचर जो है पहला फीचर हम क्या लिखेंगे पहला फीचर जो है हिमालयाज का हम क्या लिखेंगे लिखेंगे फर्स्ट फीचर ठीक है फर्स्ट को ए लिखते हैं नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन कर दिया अनुष्का जल्दी मिटाओ इसको मिटाओ इसको बेटा बहुत गलत है जल्दी गंदी बात है बेटा करेंगे आप लोग तो कैसे काम चलेगा हाँ
पहला क्या है? पहला है द हाई पिक्स आर कवर्ड कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. पहली बात यह है हिमालय का कि यहां पे सालों भर हाई पिक्स जो हैं वो बर्फ से घिरे होते हैं. ठीक है, दूसरा क्या खासियत है? इट इज द सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स. इट इज source of many rivers. ठीक है, एक हो गया, ये एक हुआ. ठीक है, ये पहला हुआ. बहुत सारा कुछ हम खुद करना है जिसमें से एक हुआ. क्या क्या दिया था? माउंटेन दिया है और क्या क्या दिया हुआ है उसमें से एक हमने किया है हिमालयाज. ठीक है, हिमालयाज के बाद गैप दे दीजिएगा तो पता चलेगा कि हम लोग अलग अलग कर रहे हैं. अब सेकंड क्या है? सेकंड क्या है बेटा? नॉर्दर्न प्लेन. सेकंड है, सेकंड इज द नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन का क्या खासियत है? नॉर्दर्न प्लेन जो है इसका खासियत है कि ये फर्टाइल है. ये कैसा है वो भी हम लोग देखेंगे. ए ए क्या होगा, है ना? इट इज ब्रॉड फ्लैट एंड रोलिंग लैंड. इट इज ब्रॉड, ये क्या है? चौड़ा है. रोलिंग लैंड, ठीक है, ये ब्रॉड फ्लैट और रोलिंग लैंड है. ठीक है, ये हो गई पहली बात. दूसरा क्या होगा? दूसरा जो है वो बी है. बी क्या होगा? इट इज फर्टाइल एंड थिकली पॉपुलेटेड. बताए थे कि थिकली पॉपुलेटेड क्यों है? Yes, ma'am. Hence, thickly. It is fertile and hence thickly populated. Hence का मतलब कि चूंकि ये fertile है इसीलिए ये thickly. पहला मिटा दे बेटा, पहला को. Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. दूसरा दिख रहा है पूरा अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? दिख रहा है? No, ma'am. क्या उत्कर्ष दिख रहा है? बाबू समझ में आया? पांच मिनट पहले
मैम 5 मिनट अभी लिख रहे हो ना? ठीक है मैम, लिख दिख रहा है अच्छे से। अच्छे से दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, मैं भी वही पूछ रही थी कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, दूसरा हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा पे। तीसरा क्या है बेटा? थर्ड क्या पूछ रहा है? थर्ड इज इट, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आप? थर्ड इज इट, थर्ड इज इट। थर्ड इज द थार डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट। थर्ड है थार डेजर्ट। ठीक है, और इसके टू फीचर्स क्या क्या होंगे? इसमें भी हम लोग ए बी करके लिखेंगे। ए होगा इट इज बैरन एंड सैनी लैंड। पहली बात यह हो क्या होगी? इट इज बैरन। बताए थे आप लोगों को कि यहाँ पे कोई फसल नहीं होती है ना, तो बैरन कहते हैं, परती। बैरन एंड सैंडी लैंड। ठीक है, पहली बात कि ये बैरन है, सैंडी लैंड है, इसलिए यहाँ पे कोई क्रॉप कोई चीज ग्रो नहीं करता है। ठीक है, दूसरी क्या बात है? दूसरा इसका क्या फीचर है? Area receive very little rainfall. This, yeah, receive very little rain. रेन और फॉल एक ही साथ होगा, रेनफॉल एक ही कहते हैं। स्पेस हटा देते हैं और ये हो गया आपका थर्ड। अब क्या है बेटा इसके बाद? आप लोग बताते चलिए फटाफट। आई डोंट हैव बुक सो प्लीज गाइड मी। इसके बाद है डेक्कन प्लेटू। ठीक है, चलिए चौथा है। मैं मिटा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं स्टॉप क्यों हो जाऊं? बाकी बच्चे तो लिख लिए ना बेटा। आप घबराइए नहीं, आराम से लिखिए बाबू। आपके आप अगर छूट भी जाएगा ना तो छूट जाएगा तो फिर से आप वीडियो देख के लिख लीजिएगा। परेशान नहीं हुई, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है ना उत्कर्ष। आराम आराम से लिखना है बेटा, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सबसे अच्छे बच्चे हैं। आप परेशान होंगे तो लोग बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी तो और परेशान हो जाएंगे ना बेटा। आराम से लिखिए, कोई टेंशन नहीं लेना है ना, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से लिखना है। छूट जाता है तो क्या होगा, वीडियो तो हम लोग भेजते ही है, वीडियो भेजते हैं ना, उससे लिख लेंगे आप लोग। परेशान नहीं होना बाबू। ठीक है, चौथा क्या है बताओ उत्कर्ष, तुम ही बताओ चौथा क्या है? डेक्कन प्लेटू। वेरी गुड, द फोर्थ वन इज द डेक्कन प्लेटू। मैं तो खुद ही धीरे धीरे लिख रही हूँ, सारे बच्चे लिख ले। डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू का क्या फीचर है? इसका शेप कैसा है आदित्य? शेप कैसा है बेटा? ट्रायंगुलर ही शेप है। इसमें पहला क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। इट इज ट्रायंगुलर। यस मैम, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर इन शेप, ये हो गया पहला। छोटा छोटा मैं लिखवा रही हूँ, लोगों को परेशानी ना हो। ऐसे तो बहुत बड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं, बट छोटे बच्चे छोटा ही लिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या? फीचर्स तो बहुत सारे हैं, बट दो दो फीचर्स पूछ रहे हैं, तो हम लोग दो दो ही फीचर जो ज्यादा इजी है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लिख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड फीचर इज ऑफ द साउदर्न प्लेटू इज द प्लेटू इज एन एलिवेटेड लैंड। ये बराबर लैंड नहीं है, इट स्लोप्स फ्रॉम वेस्टर्न साइड टू ईस्टर्न साइड। चलो इसको भी नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग
It slopes from western time अब ज्यादा नहीं है बेटा western side to eastern हो गया कि और है और भी कुछ है क्या बेटा नो मैम चार ही है ना क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया यस मैम क्वेश्चन नंबर टू इज कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं आ जाए लिख लिया सबने यस मैम सबने लिख लिया आगे बढ़े यस मैम पक्का ना यस मैम चलिए आगे बढ़ते हैं इधर का मैं मिटा देती हूँ थर्ड एंड फोर्थ छोड़ दिया मैंने ठीक है yes, ma'am. इसको हम ऊपर लेके चलते हैं ठीक है दिख रहा है हम लोग yes, ma'am. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में ये हो गया आपको क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है थ्री होली प्लेसेस लोकेटेड इन नॉर्दर्न प्लेन नेम थ्री होली प्लेसेस नॉर्दर्न प्लेन में बहुत सारे होली प्लेसेस हैं क्वेश्चन जरूर लिख लेंगे आप लोग क्वेश्चन में नहीं लिख रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी नहीं लिखना है क्या है आंसर थ्री होली प्लेसेस पहले आप हेडिंग देंगे थ्री प्लेसेस ऑफ कहां का पूछ रहा है नॉर्दर्न प्लेन ठीक है थ्री होली प्लेसेस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन आर एज फॉलोज हेडिंग देंगे और हेडिंग देने के बाद हम लोग लिखना शुरू करेंगे जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है तो आप बोलते हैं मेरा नाम है उसके बाद नेम बताते हैं वैसे भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं ठीक है क्या क्या है कौन बताएगा बहुत सारे होली होली प्लेसेस किसको कहते हैं बताया था मैंने आपको पार गए कभी हरिद्वार कभी गए हैं फर्स्ट क्या है हरिद्वार ये नॉर्दर्न प्लेन में पड़ता है ठीक है सेकंड है प्रयागराज गए हैं आप लोग पहले इसका नाम इलाहाबाद था प्रयाग ठीक है यहाँ पे भी लोग तीर्थ करने जाते हैं वॉशिप पर्पस से जाते हैं ठीक है सी सी क्या होगा थर्ड क्या होगा थर्ड भी बहुत सारा है मथुरा है अलाहाबाद है कुछ भी लिखिए चलिए अलाहाबाद लिखते हैं अलाहाबाद ठीक है हो गया yes, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है डिस्क्राइब द लक्षद्वीप आइलैंड कल कराएंगे इसको क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है हो गया सबका
मैं पेज ऑफ करूं? यस मैम। चलिए किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जितना हमने देखा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अनुष्का ने हैंड रेज किया है, बोलो बेटा अनुष्का, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम मैंने इसलिए बोला था कि जो थर्ड नंबर का आंसर है उसका जो आंसर लिखना है वो हम लोग हरिद्वार जैसे उसमें से कोई भी लिख सकते हैं। हाँ, कोई भी तीन लिख सकते हैं जो नॉर्दर्न प्लेन में पढ़ते हैं, उसमें कोई भी अपने मन से भी क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि मैम ने जो लिख दिया बिल्कुल वही रटा रटाया हमें लिखना है, हमें सोचना है क्या कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन तो समझ लेते हैं और देन हम अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उत्कर्ष बाबू आपको क्या पूछना है बताइए। फ्लोरा और फौना होता है, फ्लोरा कहते हैं प्लांट लाइफ को और फौना कहते हैं एनिमल लाइफ को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट लाइफ है ना, ढेर सारी स्पीशीज है हमारे पास प्लांट्स की और ढेर सारी स्पीशीज है हमारे पास जानवरों के एनिमल्स की, उनको फ्लोरा एंड फौना कहते हैं, ठीक है, समझ गए। होली मतलब होली प्लेस कहते हैं, होली बुक या होली प्लेस कहते हैं पवित्र को, है ना, ऐसी जगह। अच्छा, पवित्र जिसे, हाँ, जिसकी हम पूजा करते हैं, जैसे होली प्लेस जहाँ पे हम लोग वर्शिप प्लेसेस वर्शिप पर्पस से जाते हैं। होली बुक जैसे महाभारत रामायण गीता ये सब ऐसे पवित्र ग्रंथ है, उनको होली बुक्स कहते हैं, समझ गए। ओके मैम, और किसी को कुछ पूछना है? Do you have any question? Anyone? You are free to ask any question. No problem at all? Okay. कल पूरी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। दो क्वेश्चन जो बाकी मैं सामने में ही करवाऊंगी और सामने में ही क्वेश्चन आंसर चेक करूंगी, है ना। बुक भी लेके बैठेगा श्रुति सागर, ये कौन तुम्हारे पीछे से देख रहा है? तो सामने में ही हम लोग उसको चेक कर लेंगे, तो इसलिए कॉपी सबकी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके बेटा, बाय। यस मैम, बाय मैम, बाय बेटा।